शुरू से पिछली बार भी पूरी बना लो मेरे साथ। वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। बट अभी तो फिलहाल शाम के बज रहे होंगे, साथ ये वीडियो मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। और क्योंकि मैं आई हुई हूँ बिहार, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि मैं फैमिली फंक्शन में गाँव आई हुई हूँ, अपने मेन ससुराल आई हूँ। लास्ट मोमेंट में मेरा प्लान चेंज हुआ मुझे, क्योंकि जाना था दिल्ली, बट यहाँ पे भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुंडन था और साथ ही में रामायण कुल देवी की पूजा, मतलब आज काली जी की, और यहाँ का कोई स्पेशल बाऊ बुद्ध की पता नहीं क्या, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता है। पहली बार मेरे लिए सब कुछ है और मैं यहाँ की कुल देवी का मंदिर भी नहीं देखी हूँ, तो मेरा आज मंदिर जाना या यहाँ के सारे फंक्शंस में जो भी अटेंड करने वाली हूँ वो सब कुछ फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो आज का ब्लॉग मैं इसलिए ही बना रही बिकॉज आज है मंदिर पे पूजा, मतलब कुल देवी की पूजा। किसी भी फंक्शन होने से पहले ये पूजा ज़रूर से हो रही होती है, सो आई थॉट कि या ज़रूर हमें ब्लॉग बनाना चाहिए। और चीज़ और है, आप मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बिकॉज यू नो फंक्शन वाला घर, सारे लोग इकट्ठे होते, बहुत ही मज़ा आ रहा है वैसे फ़िलहाल के लिए मुझे तो यहाँ आके। तो आगे की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं और मेरी भाभी, आई मीन जिनके बच्चे का मुंडन है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, तो हम दोनों लोग, मतलब मेरी जिठानी लगेंगी, वो तो दुरान जिठान मिलके जा रहे हैं, बहुत ढेर सारी पूड़ियाँ बनानी है, तो चलते हैं पूड़ी बनाने। यहाँ आप देख सकते हो मैं और भाभी पूरे एक भगोने पूड़ी बनाने में लगे हुए थे। वैसे बीच में कुछ देर के लिए बुआ और मम्मी भी आई थी, बट क्योंकि उन्हें कुछ और भी काम था तो वो लोग उधर बिजी हो गए थी, तो मैं और भाभी पूरा बड़ा वाला भगोना भर के पूड़ी बनाई थी। वैसे इतनी सारी पूड़ियाँ हम बना किस लिए रहते, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे जितनी भी औरतें आने वाली थी उन लोगों को प्रसाद देने के लिए, और साथ ही में क्योंकि 2-3 मंदिर में पूजा करना, तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ने के लिए भी पूड़ियाँ ढेर सारी चाहिए थी। तो अभी हमने और भाभी ने मिलकर ढेर सारी पूड़ियाँ बना दी है और अब हम जा रहे हैं मंदिर जाने के लिए तैयार होने। फिर से मैं कहूँगी कि बैकग्राउंड की वॉइस हर जगह आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बगल में ही खाना भी बन रहा है, तो यू नो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती रहेंगी। हाँ, मैं पूरे टाइम पे रिकॉर्डिंग वॉइस के साथ नहीं कर सकती, आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं इसको अपलोड कब करने वाली हूँ, बट या मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी एंड वॉइस ओवर भी मैं बाद ही में करने वाली हूँ। फिलहाल के लिए मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। एंड लुक हियर, मैं यहाँ तैयार हो चुकी हूँ निकलने के लिए। वैसे आज मैं आपको बता दूँ ना कि पूरे टाइम मैं बस इस साड़ी को ही संभालने में रह जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है इसको पहन के। और अभी मैं आपको डायरेक्ट मंदिर के पास की ही चीज़ें दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि रास्ते की रिकॉर्डिंग करने के लिए सारे ही लोग उथल पुथल में लगे हुए थे, कोई कह रहा था मुझे जाना है मुझे नहीं जाना है, और मैं खुद तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकती थी, तो दीदी लोग उस टाइम पे थी नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। बट फाइनली हम हमारे काली जी के मंदिर, यानी जो गांव की काली जी हैं, वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। वहाँ पूजा करने के लिए मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों लोग साड़ी डिसाइड करने में लगी हुई थी कि कौन सी साड़ी यहाँ पे चढ़ानी है, कौन सी नहीं चढ़ानी है, और फिर बड़ी मम्मी पूजा करना शुरू कर देती हैं। तो मेन तो उन्हीं को ही पूजा करना था, बाकी छोटी मम्मी यानी मेरी माताजी उनका हेल्प कर रही थी कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वैसे एक नाउन जो होती है, जिसको हमने बिहार में सुना है कि उसको हजामिन कहते हैं, पता नहीं हजामिन है या हजामिन, जो भी कहते हैं, तो वो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, आई मीन उनको चीज़ें बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। वैसे यू नो मुझे ये मूर्ति बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्या, मतलब ये पीतल का था या तांबे का था, जो भी था, येलो येलो था छोटा छोटा, बहुत ही हमको प्यारा लग रहा था। वैसे इस पे काली जी की प्रतिमा की तरह कुछ डिजाइन दिया हुआ था, वो अभी देखो मैं एक्सप्लेन करने में रह गई। तो मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों लोग यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से पूजा कर ली थी, सिंदूर लगाना, प्रसाद चढ़ाना या जो भी होता है पूजा में, मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों लोग ने पहले अच्छे से पूजा कम्प्लीट करी। और पता है क्या, मैंने एक चीज़ और भी नई नोटिस करी है कि जैसे हमारे वहाँ खुइचा दिया जाता है ना, वैसे ही माता जी को भी उनके साड़ी के पल्लू में खुइचा दिया जा रहा था। मम्मी ने अभी आपने देखा होगा कि साइड में पहले माता जी को खुइचा दिया है, उसके बाद सारी पूजा शुरू करी है। तो
तो यहाँ पे बड़ी मम्मी और मम्मी अभी पूजा कर ही रही थी। बड़ी मम्मी और मम्मी मतलब दो मम्मी लोग अभी पूजा कर ही रही थी कि साथ में चाची जी ने भी पूजा शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी करना था। और यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहा था, क्योंकि पहले बड़ी मम्मी ने किया, फिर छोटी मम्मी ने किया, फिर चाची जी ने किया, और उसके बाद भाभी ने, एंड देन फाइनली मेरा नंबर आता है। तो सीरियल वाइज मैं वहाँ पे सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे सबसे लास्ट में ही पूजा करना था। एक चीज़ आप और भी नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे, कि मैंने स्टार्टिंग में तो पल्लू छोटा लिया था, लेकिन वो लटकते लटकते इतना ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा था ना कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी पूजा करने में। सामने मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इवन पानी कितना गिर रहा है मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था। बट जो भी था वो अलग ही था यार। और बगल में ये दीवे बाबू इतना ज़्यादा ही रो रहे थे ना, क्योंकि भाभी उस टाइम पर पूजा कर रही थी। और यू नो बच्चे कहीं जब बाहर जा रहे होते हैं तो बस उन्हें मम्मी ही चाहिए होती हैं, बाकी वो किसी को पहचान नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इसीलिए रो रहे थे क्योंकि उन्हें चाहिए थी मम्मी, और मम्मी यहाँ पे लगी थी पूजा करने में। एक जगह से पूजा ख़त्म करके जस्ट बगल में ही दूसरा मंदिर भी था, और सेम चीज़ें वहाँ पे भी थी, लाइक वहाँ पे भी सात पिंडियाँ थी जहाँ पे हमने पूजा करनी थी। पहली जगह हमने पूजा ख़त्म करी और फिर उसके बाद बगल वाले मंदिर में गए। वहाँ पे सारे लोग नहीं थे, इसलिए हमने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर कर लिया और खुद को रिलैक्स फील करवाया, क्योंकि बगल वाले मंदिर में तो सारी लेडीज बैठी थी एंड कुछ लोग बाहर भी बैठी थी। एंड यहाँ पे एक चीज़ मिस हुई है क्राउड की वीडियो की, कि कितने सारे लोग थे, मतलब 25-30 औरतें रही होंगी उस टाइम पे जिस टाइम पे ये पूजा हो रही थी। काफ़ी भीड़ थी, इसलिए हमने अपना घूंघट प्रॉपर तरीके से लिया हुआ था मैंने और भाभी ने। तो यहाँ पे हमने अपनी पूजा कंप्लीट करी। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर पूजा करने। लोग कहते हैं यहाँ पे बरन जी की पूजा होती है, तो हम सारे ही लोगों ने फिर यहाँ पे पूजा करी। और फिर वहाँ पूजा ख़त्म करके हम लोग बगल में ही एक छोटा सा मंदिर दिया होता है, मतलब बड़े से मंदिर के पंडाल के अंदर एक छोटा सा मंदिर और भी दिया था। वहाँ पे भी माता जी की ही पिंडी रखी हुई थी जिसका लोग पूजा कर रहे थे, फिर वहाँ पे हमने पूजा किया। हाँ, एक चीज़ और भी मैंने नई देखी है, उसकी वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने क्या दीदी ने नहीं किया। तो बगल में एक नीम का पेड़ था जहाँ पे लोग झूला चढ़ाने जाते थे, कि लोगों का ऐसा मानना था कि माता जी यहाँ पे झूला झूलने आती हैं। तो वहाँ पे पूरे पेड़ पे ही कई जगह मैंने देखा कि छोटा छोटा लोगों ने झूला टांग रखा था। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म करके हम सारे लोग पहुँच गए थे बाऊबतर की पूजा करने, और वहाँ पे पूजा हमने करी थी बाऊबतर की, साथ ही में सती जी की पूजा की गई थी, मंदिर से दूर था। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म करके हम सारे लोग फाइनली हम घर आ चुके हैं सारा पूजा पाठ करके, और दोपहर के बज गए हैं 2 सुबह से इसी में सारे लोग लगे हुए थे। एंड ये साड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मुझे लग रही है, तो मैं सबसे पहले ये साड़ी चेंज करूँगी। एंड यस, क्योंकि अभी इसके बाद तो कोई फंक्शन है नहीं, कल रामायण बैठना है और कल संकटा जी की पूजा भी है। तो मैं कल की वीडियो में फिर मिलती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है एंड आप यहाँ कहीं आसपास से बिलोंग करते हो, तो आपके वहाँ क्या कुछ होता है नया? वैसे मेरे लिए यहाँ तक सब कुछ नया ही था, क्योंकि मैं पहली बार ये नाम सुन रही थी कि बाऊबतर कुछ होता भी है। आई मीन यहाँ के कुल देवी आई थिंक और सती जी की पूजा हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और नई थी, क्योंकि मेरे साइड ऐसा कुछ इतने बड़े लेवल पे नहीं होता है। मतलब पूजा होती है हमारे वहाँ पे भी, कुल देवी की पूजा होती है, बट इस लेवल की नहीं होती है, इस टाइप की नहीं होती है। सो या आपके वहाँ कैसा होता है मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हिट द लाइक बटन।